देख आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पुलिस वालों ने अतिक्रमण वालों को हटाने लग गए हैं। जहाँ से भी जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी, वहाँ से जाम मिल जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं हम। सो अभी जस्ट घूमते घूमते हम फतेहपुर से इधर को आए और मेरा एक फ्रेंड का यहाँ जानने वाले फ्रेंड का होटल है। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, अभी बज रहे हैं आपके 5 और मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है, आज मुझे जो मैं जिनसे मिल के आया था लास्ट टाइम इंदर आर्या, उनका मुझे मैसेज आया था टेक्स्ट मैसेज कि क्या कहते हैं आज ऊपर को चलते हैं, थोड़ा ऊपर को पहाड़ों की साइड को ठंडी हवा खा के आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं जस्ट सो के उठा ही था, मेरे मॉम एंड डैड गए हुए हैं बाहर, तो अभी वो आएंगे तो उसके बाद मैं सीधे ऊपर को जाता हूँ। उन्होंने 5 बजे बोला था, 5 तो बज गए हैं, अब वो आने ही वाले हैं मेरे मम्मी पापा, उसके बाद मैं फिर सीधे जाता हूँ और आपसे वहीं जाके मिलता हूँ। चलिए मैं अभी जस्ट गाड़ी में बैठ चुका हूँ, जैसे मैंने बताया था मैं इंद्रदा के साथ जाने वाला हूँ, तो इंद्रदा हमारे साथ आ चुका है। कैसे इंद्रदा? बहुत बढ़िया हूँ, सभी को नमस्कार दोस्तों। फिर से आ चुका हूँ मैं दोबारा से भैया के ब्लॉग में और आज हम घूमने जा रहे हैं थोड़ा पहाड़ की सैर करने, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत गर्मी हो रखी है। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द। और दादी एक चीज़ और, आपका जो झोड़ा सॉन्ग आया था उसको सबने बहुत पसंद किया, परिवार में भी और सब में, डीजे सॉन्ग से हटके और बहुत प्यार भरा सॉन्ग आपने दिया है अपनी जनता को और अपने व्यूअर्स को, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया झोड़े को और बहुत अच्छे उसमें कमेंट आए, बहुत ही अच्छा एक हिम्मत बढ़ी कि यार मैं ऐसे भी गा सकता हूँ। मेरे साथ ममता आर्या ने ट्वीट करा पहली बार झोड़े में, और ममता आर्या की तो आवाज़ ही बुलंद आप लोग जानते ही हो, तो ऐसे ही हमारे कल्चरल सॉन्ग और भी आते रहेंगे। और मैं हमेशा डीजे गाता हूँ, लोग कहते कि आप यार फास्ट करते हो, कुछ कल्चरल गाने भी गाओ, तो मैंने कोशिश करी है, उस पर खरा उतरा हूँ, तो एक लोगों को जवाब भी है। सही बात, और ये पसंद भी कर रहे हैं लोग, पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसा है, अभी हम आपको जहाँ हम जा रहे हैं ऊपर को, वहीं आपको जाके मिलते हैं और दिखाते हैं आपको व्यू। वहाँ पे हम ऊपर को जाने लगे तो वहाँ पे जो पूरा मोड़ था वहाँ पे पुल पूरा बन रहा है, एक साइड का खोल रखा है, तो उस चक्कर से आवाजाही में दिक्कत आ रही है, तो लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं और वहाँ बहुत भीड़ लग जा रही है। अगर हम ऊपर जाते तो 1-1.5 घंटा हम जाम में ही फंस सकते थे, क्यों ना? तो फिर अभी हमने सोचा कि हम थोड़ा नीचे को जाते हैं, प्लेन्स हमारा तो मेन पहाड़ को ही जाके ठंडी हवा आने का मन था लेकिन हो नहीं पाया वो, तो अभी हम जा रहे हैं सीधे प्लेन्स को। अंधेरा हो गया लेकिन मन तो वहीं का था हमारा, तो फिर आपको जाके दिखते हैं। देख आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पुलिस वालों ने अतिक्रमण वालों को हटाने लग गए हैं, जेसीबी लाके भयंकर दुकानें तोड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। अरे न्यूज वाले भी आ रखे हैं, वही जहाँ से भी जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी, वहाँ से जाम मिल जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं हम। तो अभी मैंने बहुत ही मशक्कत किया, वन पे बना रखा है एक, तो इन्होंने आज मंगल ग्रह दुकानें तोड़ रहे थे, ऊपर से वन वे बना रखा है और जा नहीं पा रहे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, आगे का व्यू देखिए आप, सनसेट हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो अभी जस्ट घूमते घूमते हम फतेहपुर से इधर को आए और दा को हमने मैंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड का यहाँ जानने वाले फ्रेंड का होटल है, धीरज भाई का। तो अभी हम फार्म ग्रिल में आए हैं और सारे यहीं पे हैं हमारे, आप देख सकते हो इंदर दा और Hello. ये सब, और इंदर दा को यहाँ सब जानने वाले, इनके तो खुद इनके सारे बैचमेट और सब मिले हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरज भाई भी हैं और इनके फ्रेंड्स लोग और ये सब हैं और दा और ये सब लोग। तो दा आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे इतना खुशी हो रही ना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, आज पहली बार मतलब 2018 के बाद 18, 19, 20 लास्ट जब मैंने बोल हीरा बोल जो रिकॉर्ड किया था उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब छोड़ नहीं दी थी, मतलब ऐसी हो गया था कि थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था मेरे पास, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया जॉब पे। और मैं चाहता हूँ अभी भी मैं होटल लाइन में करूँ, क्योंकि मैं 15-16 साल से उसी लाइन में करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इनको देख के मैंने खुद बोला कि मेरे लिए कोट लाओ, अब कोट मेरे को आया नहीं, मैंने पहना नहीं, लेकिन मैं मेरा कोट भी ऐसा था ब्लैक, लेकिन मुझे गर्मी होती था मैं फेंक देता था, मैं सर बोलता व्हाइट वाला बना दो मेरे लिए और होता है कि फर्स्ट कॉमी सेकंड कॉमी थर्ड कॉमी सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक जैसा रख रखा, बहुत अच्छी बात है कि एक समान होना चाहिए सारा, और लेकिन जो बड़ा होता है बड़ा ही होता है। मेन सब ये हुआ यहाँ के, मतलब अभी जो इंडियन वाले हैं भैया, और आप बताओ भैया अपने बारे में, यहाँ का बटर चिकन पनीर लबाबदार, काजू मसाला अवेलेबल नहीं है, काजू मसाला है। तो दोस्तों मैं आज आ रही फार्म ग्रिल में रेस्टोरेंट में और धीरज आर्या भाई के रेस्टोरेंट से, बहुत खुशी भाई यहाँ आबेर मके, मुझे मतलब बहुत खुशी हुई यहाँ आके और बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत मेरे यार दोस्त मिले होटल लाइन वाले और मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ अभी, और धीरज भाई खुद बताएंगे अभी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे शेफ साहब हैं, इंडियन के मेन शेफ हैं, ये हमारे तंदूर शेफ हैं, हाँ जी, और ऑलराउंडर हेल्पर
तो हेल्पर तो ऑनलाइन ही होता है बिल्कुल। और अपना एड्रेस बता दो भैया यहाँ का। यहाँ का एड्रेस है नाम फार्मगिल होटल और लामा चौड़ हल्द्वानी में है और जो नियरेस्ट है हमारा चाड़ा मंदिर। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। एक और पूरा दिखाओ एक बार, बहुत अच्छा लग रहा है ना डाको यहाँ का सारा माहौल और प्लस अपने मेंबर्स मिले तो उनको और खुशी हुई। और आप यहाँ का माहौल देख सकते हो कितना अच्छा है, पूरा ग्राउंड ठहरा है और ये मेन इसका फार्म ग्रिल का जो अंदर का रेस्टोरेंट है जहाँ इनका काम वाम भी होता है, बैठने का भी है। आप यहाँ भी बैठ सकते हो अगर चाना बैठना चाहे तो, बाहर भी आप आराम से आउटिंग कर सकते हो। अच्छा, और मतलब बहुत कंफर्टेबल है, लोग बाग आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मी आ रही तो लोग यहाँ आके अपना चिल आउट कर सकते हैं। खड़ा होके कंफर्ट फील हो रहा है। ये देखो मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा था ना, पहले मैं ऐसे ग्राउंड पे मैच खेलता, मैंने क्रिकेट भी सीखा अच्छा है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे गिरते थे ना लगती तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब जो घास जमी है यहाँ पे ज़्यादा उछल कूद नहीं मचानी किसी को भी, आके अच्छे से आओ, वेलकम है आपका। बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ पे और भैया लोग सब लोग मेहनत करते हैं सभी लोग। आप आके ज़रूर कभी आके टेस्ट करो। और बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, कुछ भी आपका फंक्शन हो तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में हम इनका जो है कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। ओके, तो फिर अब आपको यहाँ का हमने आपका सारा दिखाई दिया डिस्क्रिप्शन और सब चीज़ बता दिया है धीरेज भाई का और इंदर दाई को। बहुत अच्छा लगा इंदर दा को, तो होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अभी आप यहाँ पे इसको रोकते हैं। सो गाइस, अभी मैं घर आ चुका हूँ और आपने जैसा देखा आज मैं इंदर दा के साथ गया था और अभी हमारा प्लान था ऊपर जाने का, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा था क्योंकि वहाँ पे पुल बन रहा था तो जाम वाम था। अगर हम ज़्यादा जाते तो 9 या 8 या 9 बज जाते, इसलिए हम फिर ज़्यादा कहीं नहीं गए और इस साइड को ही गए अपने लामा चौड़ साइड को। और आज हमने बहुत इन्जॉय किया, इंदर दा को अपने आने वाले मिले वहाँ पे बहुत सैफ और ये सब, और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते तो उनको भी आज बहुत अच्छा लगा। और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर बने हैं तो आसू ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।